हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी कोई ठीक होंगे। मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं मिक्स मैट टू। आज की इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बात करूंगा। जब कभी भी हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी करते हैं तो एक हम लोग को रिसीप्ट मिलता है, उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है और पैन नंबर भी, जो कि जीएसटी जो लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 के बाद से जीएसटी नंबर रहता लिखा हुआ। तो उस जीएसटी नंबर से आप फुल डिटेल्स निकाल सकते हैं, बिजनेस का नाम, किस टाइप का बिजनेस है, किस तरह का टैक्स पेयर है। आप यहां तक ये भी चेक कर सकते हैं कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर रियल है या फेक है, एग्जिस्ट करता है या नहीं है, मींस एक्टिव है या अभी मतलब पेंडिंग में रखा गया है, तो आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं gst.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है जीएसटी का, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग, एक मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं सर्च करके बताऊंगा, उसका फुल डिटेल्स भी निकाल के बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो लास्ट टैब है इस वेबसाइट का, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च टैब्स पे, तो यहाँ पे आएगा एक जीएसटी नंबर सर्च करने का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये माइग्रेटेड टैक्स पेयर उनके लिए है जो मतलब पहले जिसका सीएसटी मैट था, मिस्टी नंबर था उनके लिए है। और एक है कंपोजिशन टैक्स पेयर, जो कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है तो उस टाइम ऑप्शन रहता है कि आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, इसमें कुछ लिमिटेशन है। तो हम लोग आइए एक सर्च कर लेते हैं जीएसटी नंबर और उसका फुल डिटेल्स भी देख लेंगे। तो चलिए एक हम लोग जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा है, जो इमेज है, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। आप अगर इसको नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से आप सुन भी सकते हैं। तो चलिए सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जीएसटी नंबर का फुल डिटेल्स, नेम ऑफ बिजनेस, कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, स्टेटस और स्टेट जुरिस्डिक्शन जो है, कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस किस तरह का है, टैक्स पेयर टाइप, और फिर सेंटर जुरिडिक्शन नहीं दिया हुआ, इसमें नॉट अवेलेबल बता रहा है। और इसका जो पहले मतलब टीन नंबर था, इसलिए 1/7/2017 दिखा रहा है क्योंकि उस दिन से लागू हुआ है जीएसटी, इसलिए यहाँ पे एड्रेस अपडेटेड नहीं दिखा रहा, अभी भी एक्टिव पेंडिंग वेरिफिकेशन है, मीन्स जो नया अभी मतलब जीएसटी नंबर लिया होगा उनका पूरा एड्रेस दिखा रहा है। तो हम लोग चलिए और एक मेरे पास है मतलब जीएसटी नंबर, उसको सर्च करते हैं। तो चलिए इसको इंटर कर लेते हैं। जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो इमेज है इसको एंटर करना है, उसके बाद फिर सर्च करना। इनवैलिड बता दिया, मतलब मैंने कुछ गलती किया था, उसके बाद फिर सर्च करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप बता दिया है इस जीएसटी नंबर का फुल डिटेल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिटेल्स है, सेंटर जुरिडिक्शन नॉट अवेलेबल बता रहा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, फिर किस तरह का बिजनेस है, और एक्टिव पेंडिंग वेरिफिकेशन दिखा रहा है, इसलिए एड्रेस अभी शो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से आप किसी भी जीएसटी नंबर को लेके आप उसका फुल डिटेल्स निकाल सकते हैं और देख सकते हैं उसका मतलब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है और वो एक्टिव है या नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स और वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।